लीड जनरेट करने की कोशिश करूंगा। रिक्रिएशन होट लोगों से मैं कैसे कर सकता हूं? सिंपल पूछ के कर सकता हूं यार, जो कर रहा है उसको छोड़े बगैर अगर 30,000 से 40,000 रुपए आने लग जाए तो काटेंगे तो नहीं। हेलो, लाइन नंबर वन, इंद्रजीत भाई, जो कर रहे हो उसको छोड़े बगैर 30,000 से 40,000 रुपए आने लग जाए, काटेंगे तो नहीं? दैट इज अ रिक्रिएशन विद हॉट पीपल, रिक्रिएशन विद हॉट पीपल। फोन पे बात किया अभिषेक सर कि जो कर रहे हो उसको छोड़े बगैर भाई तेरे को 30,000 से 40,000 रुपए पर मंथ आने लग जाए तीसरे चौथे महीने से, काटेंगे तो नहीं? आदमी क्या बोलेगा? नहीं काटेंगे। तो मेरे पास एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैं तेरे पास से मिलने आ रहा हूं। सवाल आएगा उसका, क्या सवाल आएगा भाई? चेन तो नहीं बनानी, मेंबर तो नहीं बनाने? हेलो, पहला सवाल आएगा भाई है क्या, पहले फोन पे बता दे, है क्या फोन पे बता दे, राइट? तो आपको क्या बोलना है, साले इतना बिजी हो गया, इतना बिजी हो गया कि तेरे पास आधा घंटा नहीं है 30,000 से 40,000 रुपए कमाने के लिए, हट साले भाड़ में जा, बताना ही नहीं तेरे को। सिंपल रिजेक्शन दे सकते हो आप बड़ी आसानी से, सिंपल रिजेक्शन दे सकते हो आप बड़ी आसानी से। एक बार रिजेक्शन दोगे अगली बार खुद मिलाता हुआ आएगा 100%, आज आगे देख लेना जरा। एक बार रिजेक्शन दोगे खुद मिलाता हुआ आएगा, क्योंकि हम गलती क्या करते हैं सर, हम गिविंग बिजनेस में है, वो यार ना गिविंग बिजनेस, हम दे रहे हैं सर, राइट? हम गलती क्या करते हैं कि हम आदमी से रिक्वेस्टिंग मोड में बुला लेते हैं उसको, व्हेन वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास है सर, उसके पास नहीं। जिंदगी हम उसकी बदलने लगे हैं, वो हमारे नहीं बदल सकता है, हम उसकी बदलने लगे। तो इन्विटेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बड़ी लिस्ट बनाओ यार, 400-500 लोगों की, कितने 10-12 लोग चाहिए लाइन स्टार्ट करने के लिए, बड़ी लिस्ट बनाओ। रिजेक्शन से बात करो, कोई दिक्कत नहीं है सर। आदमी को जब तक नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो तब तक आपके पीछे पीछे घूमेगा दुम इलाके क्यूरियोसिटी की वजह से। शर्त लगा लो मेरी, पीछे पीछे घूमता रहेगा सर, कुछ तो बता दे, कुछ तो बता दे, कभी तो बता दे तूने उस दिन फोन किया था, पीछे पीछे घूमता रहेगा, राइट सर? छोटा सा लिस्ट बनाओ, जनरेट क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट लेके चलता हूं, कॉलिंग स्क्रिप्ट फॉर हॉट पीपल आफ्टर टॉकिंग ऑन फॉर्म। भाई जो कर रहा है उसके बाद 30-40 हजार रुपए आने लग गए तो काटेंगे तो नहीं? हेलो, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, किसी की सैलरी अगर 2 लाख रुपए है तो बढ़ा दो उसको, किसी की सैलरी छोटी है तो कम कर दो, ठीक है? दूसरा भी एक तरीका है मेरे पास, थाईलैंड के दौरान, राइट? आदमी को फोन किया और उससे पूछा भाई पासपोर्ट है क्या, सीधा फोन किया करण सर, फोन किया बंदे को, दोस्त को अपने, भाई पासपोर्ट है क्या? आदमी बोलेगा हाँ यार पासपोर्ट तो है, है? अरे वाह जबरदस्त, फोन काट देना बस। भाई पासपोर्ट है क्या? यार नहीं है। अरे नहीं है, शिट यार, फोन काट देना। उसके बाद वो फोन करता रहे 3-4 बार, उठना नहीं चाहिए आपका फोन, बिजी जाना चाहिए, बिजी बिजी जाना चाहिए। अगले दिन फोन करना उसको, अगले दिन फोन करना, यार पासपोर्ट जिसके पास है, पासपोर्ट जिसके पास है, यार एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है, कुछ पैसा भी कमा सकते हैं और साथ साथ बाहर जाने का भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन तू ओपन है तब बात करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? क्योंकि आप इस समय आप आदमी को थाईलैंड लेके जा सकते हो, जिसके पास पासपोर्ट नहीं है, जिसके पास पासपोर्ट नहीं है वो तो वैसे ही आपके पीछे है अब, ठीक है जी? नेक्स्ट लेके चलता हूं, कॉलिंग स्क्रिप्ट फॉर वार्म पीपल, सिंपल सिंपल वार्म लोगों के पास में आप फोटो खींच सकते हो, स्क्रिप्ट में बता देता हूं। यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया है, मेरा एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है जिसको मैं अपना जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर कर रहा हूं और अभी मैं उसको एक्सपेंड कर रहा हूं और 2-3 एम्बिशियस लोगों की तलाश में हूं, राइट? हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि हम साथ में मिलकर कल को काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपसे सिर्फ इतना पूछना था कि आप ओपन माइंड हो अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर और पैसा कमाने में, सिंपल। आदमी बोलेगा यार फोन पे बता दे क्या है, भाई मैं फोन पे बताना चाहता हूं, आई वुड लव टू टेल यू ऑन फोन, लेकिन मुझे कुछ चार्ट्स और ग्राफ्स ड्रॉ करने पड़ेंगे जो मैं फोन पे नहीं कर सकता, जिसके लिए हमें मिलना ही पड़ेगा, इसलिए मिलके ही बात हो सकती है, लेकिन अगर तू ओपन माइंड और सीरियस है तो ही मिलके बात करेंगे। आदमी बोलता है भाई चेन सिस्टम तो नहीं है, एमएलएम तो
टाइप तो नहीं है, एमबे टाइप तो नहीं है भाई, जैसा तू सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर ओपन माइंड और सीरियस एटीट्यूड के बाद करेंगे। हेलो, आर यू विद मी? आर यू विद मी? सिंपल, लिस्ट बड़ा काम बड़ा, जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। लिस्ट इज द हार्ट, द लिस्ट बोलते हैं इसको, द लिस्ट, जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस, राइट। आगे लेके चलता हूं सर, कॉलिंग ऑब्जेक्शन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी आदमी को बताना पड़े, डू नॉट टेल नेम ऑफ द कंपनी नहीं बताना है, नेचर ऑफ बिजनेस नहीं बताना है, इन्वेस्टमेंट कितनी है नहीं बताना है, क्या बताना है, टूरिज्म रिटेल बेस्ड बिजनेस है, फ्रेंचाइजी मॉडल है, टूरिज्म की जगह आप रिटेल कर लेना, रिटेल बेस्ड बिजनेस है, फ्रेंचाइजी मॉडल है, कमीशन बेस्ड सिस्टम है और अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। सिंपल अगर बताना भी पड़े भाई, तो कल को वैन हुसैन के शोरूम पे जाएगा, एक पैंट और एक शर्ट लेगा, क्या तेरे को बिजनेस करने का मौका देगी वैन हुसैन? हेलो, जब दो लेगा तब देगी क्या? तीन लेगा तब देगी क्या? दस लेगा तब देगी क्या? तू पचास पीस उठा ले तब भी तेरे को अपने साथ में बिजनेस करने का मौका नहीं देंगे, तब भी तेरे को अपनी फ्रेंचाइजी नहीं देंगे। मेरा कंपनी तेरे को फ्रेंचाइजी दे रहा है साथ में, लेकिन हमारा फ्रेंचाइजी जो है दुकान लगाने की तरह नहीं है, इट्स अ ऑनलाइन फ्रेंचाइजी। तू जानता है आज की डेट में ई कॉमर्स का जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन चलता है, हमारा भी फ्रेंचाइजी ऑनलाइन फ्रेंचाइजी है, घर पे बैठे बैठे तू उसको चला सकता है, रन कर सकता है, राइट सर? समझ में आ रही है बात? यस। ड्यूरिंग कॉलिंग रिमेंबर एडिफिकेशन, एडिफिकेशन उस इंसान का जिससे आप मिलाने वाले हो, क्योंकि सामने वाले इंसान का अगर आप एडिफिकेशन कर दोगे तो जो सामने सुन रहा है वो आसानी से सुनेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर हमारा दोस्त हमें बिजनेस में लेके आया है तो हम उसकी तारीफ करने से कतराते हैं, उसके सामने नए आदमी के सामने हमें उसकी तारीफ करने में दिक्कत होती है, या कोई हमसे कम पढ़ा लिखा आदमी आ जाता है तो उसकी तारीफ करने में दिक्कत होती है, या कोई कई बार मैन सीगो होती है, कोई लेडीज हमें बिजनेस में लाई तो हमें उसकी तारीफ करने में ईगो होती है सर, राइट सर। एडिफिकेशन जो है, सपोज करो अगर आदमी 49% कन्विंस है तो वो इस बिजनेस में नहीं आएगा। हेलो, 49% कन्विंस है तो नहीं आएगा, 51% कन्विंस है तो आ जाएगा, यस और नो? 49 तो नहीं, 51 तो यस। एडिफिकेशन का 50% रोल है सर, 50% बाई चांस योगेश गौतम जी हैं यहाँ? योगेश गौतम जी नहीं है, योगेश गौतम जी मेरी टीम में है, राइट। तो वो वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स में, उन्होंने अपने जीएम के सामने एडिफिकेशन करके, मैनेजर के सामने एडिफिकेशन करके, सारा जीएम मैनेजर सब लोग जोड़ रखते हैं सर, सिर्फ और सिर्फ मात्र एडिफिकेशन करके, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं नहीं, सिर्फ मेरा एडिफिकेशन करते हैं। वो जीएम आएगा तो वो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, जीएम पूछेगा ये कौन है सर? ये मेरे गुरु जी, आपको पता नहीं कितने कमाल के आदमी है, ये बड़े कमाल के आदमी है, मतलब ऐसी तारीफ करेगा, ऐसी तारीफ करेगा, जीएम बोलेगा भाई मिलना है, और एक बार मिलेगा 7 लाख रुपए देखेगा तो सारा जुड़ेगा कैसे भी, राइट। तो एडिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, चाहे जो भी हो, आपको जो भी इस बिजनेस में लाया है, आपसे कम एज का हो चाहे, लेकिन आपसे पहले आया है सर, अगर वो 1 घंटा भी पहले आया है तो वो आपके इस बिजनेस में आपसे 1 घंटा ज्यादा की जानकारी रखता है सर, राइट। तो इसलिए उसका एडिफिकेशन जरूर करें, एडिफिकेशन करेंगे तो सामने वाला आदमी चुपचाप बैठ के ऐसे सुनेगा, एडिफिकेशन नहीं करेंगे तो वो कहेगा हाँ जी बताओ जी, आदमी बोल रहा है एडॉप्शन कर, अरे काम की बात बताओ जी, आदमी बोल रहा है सर ESBI क्वाड्रेंट, अरे भैया काम की बात कराओ, करना क्या है, लेकिन एडिफिकेशन है तो वो सब कुछ सुनेगा, और एडिफिकेशन है तो आपको बिजनेस में प्लान दिखाने में कम टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा तो आदमी आसानी से जुड़ेगा क्योंकि माइंड ओपन रहेगा उसका, यस और नो? आर यू विद मी? समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट लेके चलता हूँ, शेयर द प्लान। आपके हाथ में प्लान बुकलेट है, राइट। उस बुकलेट के थ्रू आप प्लान शो कर सकते हैं, आप में से किसी भी आदमी को अगर ये बुकलेट और चाहिए तो वो मेरे से बात कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये बुकलेट मैं पिछले 3 महीने 27 जनवरी को मैंने इस बुकलेट को इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद देर आर ट्रिमेंडस रिजल्ट्स, मेरा बिजनेस ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो गया है सर, जस्ट बाय दिस बुकलेट, जस्ट दिस बुकलेट, क्योंकि मुझे आधा घंटा लगता है सर प्लान देने में आपको, मुझे आधा घंटा लगता है सर प्लान देने में आपको, कितना लगता है? 1 घंटा, किसी को 1, किसी को 1.5, किसी को 2, मुझे आधा घंटा लगता है सर, और मैं आधे घंटे में आदमी को ऐसा धो दूंगा कि वो 100% जुड़ने को तैयार हो जाता है, क्योंकि ये बुकलेट डिजाइन ही इस तरह से की गई है सर, माइंड ओपनिंग के लिए अडॉप्शन कर रहा है, उसके बाद ESBI क्वाड्रेंट, उसके बाद क्वेश्चन है कि आगे बढ़ना है तो बता, तभी आगे बढ़ेंगे जब तेरा नीड क्लियर है तो, राइट।
सवालों के बाद ही आगे बढ़ेंगे सर। तो ये बुकलेट आप लोगों की सहूलियत के लिए, आप लोगों के टाइम सेव करने के लिए। टाइम सेविंग इज मनी सेविंग, मनी सेविंग इज नॉट मनी सेविंग, टाइम सेविंग इज मनी सेविंग, राइट। क्लोजिंग एंड फॉलो अप, क्लोजिंग सर हॉल के अंदर ही करना है हमें। जैसे ही आपने प्लान देख के लिया तभी क्लोजिंग करना है, लेकिन क्लोजिंग करने का मैं सिंपल तरीका बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारी ऑब्जेक्शंस आएंगी। ये क्लोजिंग के ऑब्जेक्शंस हैं सर। इज इट अ मनी चेन? क्या ये मनी चेन?